हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्या कहूँ दोस्तों के बारे में, ये किस्मत के फूल हैं ये तो। क्या कहूँ दोस्तों के बारे में, ये मेरे किस्मत के फूल हैं ये तो। जग ही देते हैं, जख्म ही देते हैं, किस कदर का वसूल है ये तो। झोपड़िया कतरे सबनम को तरस जाती है, झोपड़िया कतरे सबनम को तरस जाती है, और जो भी घटा आती है महलों पे बरस जाती है। तो मेरे दोस्त, प्रपोज डे क्या है आज, उसके बारे में बात करेंगे। आज एवरी ईयर 8 फरवरी को ही प्रपोज डे आता है, और उसके पहले 7 तारीख को वैलेंट डे आता है, और 9 फरवरी को आपका चॉकलेट डे आता है। 7 फरवरी को बोले तो रोज डे बोलते हैं, और 8 फरवरी को प्रपोज डे बोलते हैं, और 9 फरवरी को चॉकलेट डे बोलते हैं। तो प्रपोज डे क्या है, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। ये गाना आप सुने हो ना, कि देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। इस जिंदगी के सफर में अंधेर न हो जाए, और देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। तो कभी कभी क्या होता है, हम साथ साथ रहते हैं, एक लड़का हो या एक लड़की, बहुत समय तक साथ साथ रहता है। जब अकेला में रहता है और शीशे के सामने रहता है तो अपने आप को देखता है, बोलता कि आज तो मैं अपने डार्लिंग को बोल ही डालूंगा आई लव यू। डार्लिंग भी बोलती है, लड़की भी बोलती है, कि जब भी मैं उसके सामने जाती हूँ तो बोल नहीं पाती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आज तो मैं बोल ही डालूंगी। तो आज का जो दिन है मेरे दोस्त, प्रपोज डे का मतलब होता है एक दोस्त, एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी होते हैं, एक दूसरे को प्रपोज करने का डे होता है। और आज का डे जो बहुत लोगों को बिखर के रख देता है, बहुत लोगों को निखार के रख देता है। जब प्रपोज करेंगे नो नहीं बोल देगा तो बिखर जाएंगे, और यस बोल देगा तो निखर जाएंगे। तो ये दोनों, आज का दिन दोनों होता है। बहुत लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, बहुत लोग होटलों में जा कर के, पिक्चर हॉल में जा के इंजॉय भी करते हैं, बहुत लोग जा कर के रोड के किनारे जंगलों में सुसाइड भी कर लेते हैं, और अपने अपने गाड़ियों की रफ्तार बढ़ा के 141 स्पीड में अपने आप को सुसाइड भी कर लेते हैं, कुछ ट्रेन के पीछे जाके, क्योंकि बहुत लोग उनका दिल को तोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रपोज डे एक जगह पे हमारे लिए बहुत सुखद समाचार लेके आता है, और एक जगह पर दुखद समाचार लेके आता है। तो समय रहते हुए भी किसी को प्रपोज कर दीजिए, पता न चले कि आप इंतजार करते रहे और पता चला कि लड़की जो है दूसरे के साथ शादी कर ली, और लड़की के साथ भी वही रूल लागू होता है कि आप कहीं इंतजार कर रही हो बोलने के लिए, परमिशन लेने के लिए, सोच रही हो कि एक दिन हम आज बोलेंगे, कल बोलेंगे, तू मैं ऐसा करते हो, बोल नहीं पाते हो, जैसे ही मिलते हो तो बात को पलट देते हो, कि डर लगता है आपको, कहीं नहीं बोल दिया तो, नको बोल दिया तो आपका दिल कितना टूट जाएगा। ये सोचते सोचते आप इंतजार करते हो, कि वो सिचुएशन का इंतजार करते हो, उस समय का इंतजार करते हो, वो बोलेगी, आप सोचते हो वो बोलेगा, लेकिन ऐसे करते करते पता चलता है कि वो लड़की किसी और के डोली में बैठ के चली गई, पता चलता है तो लड़का भी किसी और का होके रह गया। तो समय किसी का इंतजार नहीं करता है। तो प्रपोज डे जो होता है, अगर ये वीडियो के जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो अपने आप को संभालते हुए अपने दिल की बात आज रखने का दिल होता है। अगर किसी से आप प्यार करते हो, लव करते हो, तो संकोच मत कीजिए, एक क्लाइमेट बनाइए, उस क्लाइमेट में आप दोनों मिलिए,
और एक दूसरे को आंखों ही आंखों में बोल डालिए और अपने जुगा जो आंखों आंखों में आपके जो चलता है, जो धड़कन और सांसों में जो हवाएं में चलती है, वो थोड़ा सा जरूरत है आपको हिम्मत देने दिखाने की, उस सांसों को थोड़ा सा न रोक करके अपने जुबान तक लाने की कोशिश कीजिए और बोल डालिए। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी इस प्रपोज डे को सेलिब्रेट करते हुए मैं भी चाहता हूँ कि आप भी सेलिब्रेट कीजिए। अगर किसी से आप प्यार करते हो तो आज इजहार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।